आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। खबर देहरादून से, NSUI प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने जिलाधिकारी सोनिका से मिलकर एक विज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा सत्र 2024-25 का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। विभिन्न तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। आगे उन्होंने कहा कि प्रवेश के निजी संस्थानों द्वारा वर्तमान सत्र में विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों एवं अभिभावकों पर कॉलेज की ओर से दी जाने वाली हॉस्टल की सुविधाएं एवं बस सुविधा अनिवार्य रूप से लेने का दबाव बनाया जा रहा है तथा यह सुविधाएँ नहीं लेने पर प्रवेश देने से मना किया जा रहा है। शिक्षा संस्थानों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यह सुविधा चाहे एक माह के लिए ली जाए परंतु फीस पूरे वर्ष भर की देनी होगी, तब भी प्रवेश दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि बहुत से छात्र छात्राएं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों से संबंधित होते हैं, जो अपनी निजी व्यवस्था एवं पारिवारिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप आवास एवं वाहन की सुविधा करने के साथ ही कोर्स फीस के लिए पार्ट टाइम जॉब सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा इस प्रकार नियम थोप कर उन छात्र छात्राओं को तकनीकी व उच्च शिक्षा से संबंधित उस शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित है।